पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन में। बोलो जल्दी सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन में कहाँ होमवर्क दिए थे? सर कुछ होमवर्क नहीं दिए थे क्या सॉल्यूशन में? तो 30 ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं था हमको, लगता है 5 6 7 8 ही क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन तान्या? 30 30। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड एज सॉल्यूट एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। ये तो बनने लायक सवाल है, क्या दिक्कत है? तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था ना आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल था। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है? समझ में आया? हाँ और सवाल समझ में गए। पी सॉल्यूशन पूछ रहा है, पी नॉट ए एक्स ए। सॉल्यूशन का प्रेशर तो एक्स ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। चेंज इन प्रेशर सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 30 के अलावा? अच्छा सवाल है वैसे, क्वेश्चन नंबर 30 के अलावा और कोई डाउट सॉल्यूशन वाले पार्ट फिर में? एटॉमिक ठीक है, एटॉमिक वाले पार्ट पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलते जाओ भाई, कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 1 से, शायद से सब्जेक्टिव वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया था तुम लोगों को 1 से लेके आगे तक का, बोलते जाओ जो भी डाउट है। एक्सरसाइज 2 में 34 34, क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलो सॉरी मैच द फॉलोइंग, इसमें एनर्जी ऑफ तो इसमें ग्राउंड। ना हाँ बोलो। ऑप्शन जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें नेगेटिव आंसर दिया हुआ है। है नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा। देख लेते हैं, हीलियम प्लस का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब इन इक्वल टू 3 का एनर्जी निकालना है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम लोगों का वैल्यू था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -Be/2, जहां तक हमको ध्यान आ रहा है। तो हम लोग और टोटल एनर्जी वाला पार्ट जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वो -P के बराबर ही निकल के आता है। नहीं, -P/2, P/2 के बराबर निकल के आता है। ओके, तो हम लोग अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में हीलियम वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। हीलियम वाले पार्ट का अगर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 इंटू Z²/N² मतलब 2² / सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो उसके हिसाब से 13.6 × 4 13 चौके 52, 54.4 होना चाहिए / 9 मतलब नियर अबाउट 9 6 54, 5.9 टाइप से कुछ आना चाहिए वैल्यू एनर्जी का। और हम लोगों को ये टोटल एनर्जी मिल रहा, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, बस -Ke के बराबर वैल्यू है। मतलब हम लोग का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ऐसा सोच सकते हैं। 9 6 54 सॉरी 6 पॉइंट समथिंग होना, हाँ 9 6 54 ना सॉरी 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ वाले पार्ट में माइनस तो नहीं हो सकता, माइनस तो नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, अगर ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो -54.4 होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन में फोर्स मैच करना चाहिए। फिर बी ऑप्शन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हम लोगों का -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं दे रखा। सॉरी टोटल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगा -27.2। तो इसका मतलब बी का ऑप्शन 2 ठीक दे रखा। सी ऑप्शन वाले पार्ट का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो वैल्यू तो ऑल दो 1 है बट जूल में कन्वर्ट करके अगर उसको देखेंगे तो 6.04 और × 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 16 6 96 मतलब 10 के अराउंड कुछ वैल्यू होना चाहिए।
तो 1. something into 10 to the power minus 18 आ रहा वैल्यू, जबकि यहाँ पे इस तरह का वैल्यू तो नहीं है, 8.7 दे रखा है. ओके और लास्ट ऑप्शन है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस. आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले पार्ट का मतलब हो गया ग्राउंड स्टेट से इन इक्वल टू इन्फिनिटी में जाने के लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, तो हम लोग का वैल्यू होना चाहिए 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का ही, इसका जस्ट डबल होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला है ना. तो नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो होना चाहिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही रहेगा. इसका आंसर मतलब माइनस दे रखा है, माइनस आंसर तो होगा नहीं, यहाँ पे माइनस साइन गलती से आ रखा है. yes, ठीक है, उसमें करेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस नहीं होना चाहिए उसमें, बाकी आंसर तो ठीक दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 34 के अलावा 56. क्वेश्चन नंबर 56. The emission spectra are observed for the consequence of transition of electron from higher energy state to ground state in lithium to plus ion. 6 different type of photons are observed during the emission spectra. Then what is the excitation state of lithium 2 plus ion? ये तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए, जो हम लोग higher energy से lower की तरफ आ रहे हैं, ऐसे जो transition होता है, उसमें total number of different possible lines का formula होता है delta n into delta n plus 1/2. और ये वैल्यू दे रखा है 6 के बराबर, टोटल डिफरेंट पॉसिबल लाइंस 6 के बराबर दे रखा है. तो अगर 6 लाइंस है तो हम लोग इसमें कौन से स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आने की बात कर रहा है, मतलब इक्वल टू 1 पे आने की बात कर रहा है. तो मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 2 से 1 पे आना है तो एक ही लाइन बनेगा, 3 से 1 पे आना है तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 के बराबर होगा, फिर उसके बाद 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 3 लाइन मिलेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. फिर उसके बाद n इक्वल टू 4 लेते हैं, तो डेल्टा n वाला पार्ट 3 के बराबर होगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हम लोग का वैल्यू 6 के बराबर आने वाला है. मतलब अगर फोर्थ स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो टोटल 6 लाइन निकल के आने वाला है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन स्टेट, सवाल में बोला है एक्साइटेशन स्टेट का वैल्यू क्या है, फोर्थ स्टेट होना चाहिए, मतलब एक्साइटेशन स्टेट वाला पार्ट हम लोग थर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं. समझ में आया कृष्णा, मतलब ये टॉपिक क्योंकि एक्साइटेशन स्टेट बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट फिर उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4. तो आंसर तो फोर्थ स्टेट से ग्राउंड स्टेट का है, लेकिन ये फोर्थ वैल्यू हम लोग का थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहलाता है ना. यस सर. क्वेश्चन नंबर 54 के अलावा और कोई डाउट, सॉरी 56 के अलावा और कोई डाउट? 58. नंबर ऑफ वेव इन द फोर्थ ऑर्बिट, याद रखना जो हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट पार्टिकल और वेव दोनों की तरफ मूव करेगा ऐसा, और ये जो वेव वाला पार्ट बन रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर. फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 वेव बनेगा, थर्ड ऑर्बिट होता तो 3 वेव बनेगा. यही हम लोगों का जो ये एक्सप्रेशन होता है ना, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π, ये इसी चीज को एक्सप्लेन करता है. H अपॉन 2π वाले पार्ट का इंटीग्रल मल्टीपल हम लोग का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, उसको इस तरीके से हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं बेसिकली. जैसे MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π है, तो उसको ऐसा कर सकते हैं 2π को उठा के लेफ्ट साइड ले जाओ और MV को उठा के राइट साइड ले जाओ. H अपॉन MV या H अपॉन मोमेंटम, ये पार्ट हम लोगों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ था, तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आएगा लेमडा इज इक्वल टू 2π इंटू R. जो वेवलेंथ है दैट मस्ट बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, तो जिस ऑर्बिट में हम लोग जाते हैं वहां पे हम लोग का जो वेवलेंथ वाला पार्ट है वो सर्कमफेरेंस के बराबर हम लोग आराम से एसोसिएट कर सकते हैं. इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करके हम लोग का वो एक्सप्रेशन आता है कि एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में जो टोटल नंबर ऑफ वेव बनेगा दैट इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर. ये कंक्लूजन है हम लोग के डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाले पार्ट का, इसको याद रखना है, इसको एज अ फैक्ट याद रखना है. बुकलेट में भी दे रखा होगा कहीं पे थ्योरी में, इसको फैक्ट याद रखना है. और कोई डाउट 58 के अलावा? 49. क्वेश्चन नंबर 49 में, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज ई, देन द टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन इज. बनने लायक सवाल है. फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी हम लोगों का ई के बराबर है काइनेटिक एनर्जी का,
और हम लोग का रिलेशन मालूम होना चाहिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई। तो जो हम लोग का एनर्जी वाला पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी अगर वो पॉजिटिव है तो टोटल एनर्जी वाला पार्ट माइनस निकल के आएगा। तो ऐसा लिख देते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस ई, जो कि वैल्यू होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और जेड वाला पार्ट हम लोग हाइड्रोजन एटम लेके चले हैं, मतलब 1 ले सकते हैं, और फोर्थ ऑर्बिट मतलब 4 स्क्वायर कर देते हैं। और सवाल ने पूछा है देन द टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ये मत करना कि एक जगह का वैल्यू उठा के दूसरी जगह डाले, जैसे यहाँ से ई का वैल्यू उठा के दूसरी जगह डालो, ऐसा मत करना। हम लोगों को फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, उसको मान लेते हैं एक्स के बराबर। तो अपना फॉर्मूला है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और एटॉमिक नंबर वाला पार्ट हम लोगों का हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब 3 का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू निकालना है 1 का स्क्वायर, और दोनों के बीच में लाइन खींच के डिवीजन कर लो। तो ये 13.6 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग आराम से सोच सकते हैं। उसके बाद बचेगा 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। तो बेसिकली 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई होने वाला है। माइनस ई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/16 इंटू 9। यहाँ से अगर हम लोग एक्स कैलकुलेट करते हैं तो 16 इंटू 9 होना चाहिए 144, माइनस 144 ई के बराबर वैल्यू अपना निकल के आ जाएगा। ये हम लोग आंसर होना चाहिए प्रेफरेबली 144 ई। क्वेश्चन नंबर 49 के अलावा और कोई डाउट? 59 क्वेश्चन नंबर 59। ये वैसे तुम लोगों को फिजिक्स में मिलने वाला है टॉपिक, फिजिक्स में भी जस्ट मॉडर्न फिजिक्स में यही सब टॉपिक आएगा। एन प्लस एल इज द क्वांटम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एनर्जी स्टेट फॉर एन एटम, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एसोसिएटेड विद इट। ये वैसे हमको ध्यान तो नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है, ये हम लोग उसमें आता है बोर्स मॉडल के बाद एक छोटा सा मॉडल होता है सॉमरफील्ड मॉडल होता है। सॉमरफील्ड मॉडल में ये चीज आता है, ये पार्ट हम लोग के किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऑल्दो ये क्वेश्चन भी हटवा देंगे। एक बार उसमें देखना, हमको ये फैक्ट याद नहीं है, ये वैल्यू याद नहीं है, उसको देख करके बता देंगे, ऑल्दो हम लोग के लिए रिलेवेंट नहीं है अभी, इसको छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है। सॉमरफील्ड मॉडल ये होता था कि हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करते थे, जैसे हम लोग का बोर्स मॉडल में सर्कुलर ऑर्बिट था, वहां पे इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला टाइप का पार्ट निकल के आना शुरू हो जाता है। और कोई डाउट 59 के अलावा? ये क्वेश्चन रहने दो, इस क्वेश्चन को हम एक बार देख करके आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है इसका थोड़ा बहुत शायद वैल्यू दे रखा होगा। और कोई डाउट? नो सर। तो लास्ट क्लास में शायद 60 तक होमवर्क दिया था जहां तक हमको ध्यान है, तो 61 से लेकर के परसों क्लास होगा ना, 61 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज हम सॉल्यूशन का भी होमवर्क दे रहे हैं, सॉल्यूशन का होमवर्क नोट करते जाओ। जेई एडवांस वाले एक्सरसाइज का जो जो क्वेश्चन हम मार्क कराएंगे उनको ट्राई करना, उसे बहुत सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, उसे तुम लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप होगा, बहुत भारी क्वेश्चंस उसमें नहीं करना, बट थियोरेटिकल क्वेश्चंस सारे सीखने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 51 एक्सरसाइज 2 में, 52, 55, 56, 58, 59। क्वेश्चन को पुट करने का बस अलग अलग लैंग्वेज है, कहीं पे डेल्टा टीएफ दिया, कहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया, कहीं पे कुछ और वेरिएशन दिया, बस लैंग्वेज अलग अलग है, सवाल सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 60, 61। क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ये एक नाम ध्यान रखना, 70 नंबर का आंसर देख के उसका नाम ध्यान रख सकते हैं।
76, 82, 83, 84, ये क्वेश्चन नंबर 85 आज हम उन लोगों को ही बोले थे, तुमको भी बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा रिसर्च करके देखना, इसका आंसर क्या है और इसका आंसर ऐसा क्यों होगा, इस चीज को रिसर्च करना। हमने इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे, बट इस चीज को रिसर्च करके देखना, बहुत ही मजेदार चीज समझ में आएगा। हम लोग कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा है, क्यों है, सोचने की कोशिश करना, और गूगल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले टॉपिक के लिए गूगल करना ज्यादा बेटर होगा। इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखने वाले हैं, वो तुमको एज अ फैक्ट सीख लेना है, और थोड़ा ध्यान रखो, मेरे हिसाब से सवाल नहीं पूछना चाहिए उसको। नाइन्टी टू नहीं 93, 97, 98, 99, 100, 101, सोच के देखना, अच्छा सवाल है, सोच के देखना। 100, 110, 111, 112, 114, 115, सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। 116, 117, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग का हेनरीज लॉ वाला पार्ट चलेगा और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला पार्ट सबसे लास्ट टॉपिक है ये। छोटा सा टॉपिक है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ और डाउट पूछना है तो बताओ, आराम से डाउट पूछ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट पूछना है तो बताओ। कोई डाउट नहीं पूछना, चलो ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। परसों है ना तुम लोग का डिस्कशन क्लास केमिस्ट्री का? यस सर। टेंशन में आ गई तान्या इतना होमवर्क देख के? परसों के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, बहुत कम है। मतलब सवाल का लेवल भी तो मैटर करता है ना। सवाल बहुत सिंपल, एक ही पैटर्न का सवाल है, तो एक दिन में मतलब 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत भारी नहीं रह जाएगा, तो इसलिए आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आलसी पंती मत करो, परसों के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो गया। चलो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।